let's take this question. What it says, in figure, in the given figure, A, B, C are the point on OP, OQ and OR. OP में A point है, OQ में B है और OR में C. A, B, C तीनों point यहाँ पे दिए हुए हैं ना. Such that AB is parallel to PQ. ये हमें दिया हुआ है. AB is parallel to PQ. AB और PQ parallel हैं. And AC is parallel to PR. Now AC, this is AC is parallel to PR. ये इसके parallel हैं. ठीक है. शो दैट हमें बताना है BC is parallel to QR. हमें ये बताना है BC और QR parallel हैं क्या, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो फिर हम क्या करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए जब भी हमें प्रूफ करना हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट में हमें क्या प्रूफ क्या करना है फाइनली. तो यहां हमें प्रूफ क्या करना है, BC is parallel to QR. तो टू प्रूफ में क्या दे दिया हमने, BC is parallel to QR, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. नाउ देखिए BC और QR, यहां हमें देखना है BC और QR. तो ये BC और QR का रिलेशन अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है तो हमें कहां मिलेगा, किस ट्राइंगल में मिलेगा, जहां QR भी मिल जाए और BC भी मिल जाए. तो ये किस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है, B पॉइंट भी दिख रहा है और इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं. बहुत ध्यान से देखिए, ट्राइंगल OQR हमने क्यों किया, क्योंकि हमें BC और QR के बीच का रिलेशन चाहिए था. तो अगर मैं देखूं ट्राइंगल OQR, इस ट्राइंगल को मैं देखूं और इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लूं OQR और यहां दिया है BC, दिस इज BC, इस तरह का कुछ फिगर दिख रहा है अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल OQR को देखूं तो. ठीक है. तो इस तरह का फिगर दिखता है और हमें प्रूव करना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं. तो अगर मैं अपने अलग से रफ में सोच के रख लूं कि अगर ये दोनों पैरेलल होते तो क्या रिलेशन होता, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती तो क्या रिलेशन होता है, इस थ्योरम के थ्रू हम जानते हैं कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. अगर ये पैरेलल होता तो ये रिलेशन आता, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती तो ये रिलेशन हमारे पास बन के आता. नाउ ये रिलेशन बन के आता तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे ये पैरेलल प्रूव करना है तो क्या करूं, अगर ये रिलेशन प्रूव हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा. इसका उल्टा सोचते हैं अपन, हमने क्या सोचा था कि अगर ये पैरेलल होती, कंसिडर करते हैं कि अगर ये पैरेलल होती तो ये रिलेशन बनता. डन. ठीक है, बनता. अब मैं इसको उल्टा सोचता हूं कि अगर मैं ये रिलेशन प्रूव कर दूं तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगी, कन्वर्स सोच रहा हूं मैं इसका. ठीक है. तो अगर मैं ये रिलेशन प्रूव कर दूं तो ये पैरेलल होंगी. तो हमारा ध्यान कहां रहेगा, इस रिलेशन को प्रूव करने में, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. ठीक है, इस रिलेशन को प्रूव करने में हमारा फोकस रहेगा. नाउ यू सी, पहला चीज हमें क्या चाहिए, OB अपॉन BQ. तो OB और BQ ये मुझे कहां मिल रहा है, इस ट्राइंगल को तो हमें प्रूव करना है. इसके अलावा की बात करें तो OB और BQ ये मुझे मिलता है इस ट्राइंगल में, यहां इस ट्राइंगल में मिल रहा है ना, OB और BQ. गौर से देखिए, ट्राइंगल बना लेते हैं, OP और Q ट्राइंगल बनाते हैं. तो क्या बनेगा, OPQ, कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है OP एंड Q और इसके बीच में पॉइंट आ रहा है AB. ठीक है, ये देखिए OP और Q, OP और Q और पॉइंट आ रहा है AB. ठीक है, ऐसा ही है. और हमें ये दिया है यहां पे, दिस एंड दिस आर पैरेलल. तो इस ट्राइंगल में आप देखिए ये दो इस साइड के पैरेलल है तो रेशियोज क्या होंगे, साइड भी इक्वली रेशियो में डिवाइड होगी. दैट मींस OA अपॉन AP इज इक्वल टू OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ. इस ट्राइंगल में ये रिलेशन आ जाएगा. अब हमारे पास क्या चाहिए था हमको, OB अपॉन BQ, ये हमें यहां पे दिख रहा है. OB अपॉन BQ हमको यहां लिखने लगा. ठीक है, तो हमने ये ट्राइंगल को जो कंसिडर किया है, हम सही ट्रैक पर काम कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं. तो हम इसको अब लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OP एंड Q, OP एंड Q, इन ट्राइंगल है OPQ, इसमें
AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ. ये हमको यहां से दिया भी है, ये गिवन है हमको, ठीक है. Q, this is given to us. अब ये पैरेलल है तो क्या होगा, इनकी रेशियो आपस में इक्वल होंगे. दैट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू. नाउ दिस विल बिकम अवर इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, ये चीज जो हमने यहां समझी थी उसको हमने यहां पर लिख दी है. ठीक, अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, यहां पे हमारे पास ओ बी और बी क्यू तो आ गया, अब चाहिए था ओ सी एंड सी आर. तो ओ सी एंड सी आर हमें कहां मिल रहा है, ओ सी एंड सी आर. ये ट्राइंगल तो हमें बताना नहीं क्योंकि इसको तो हमें प्रूव करना है. तो अब ये कहां मिलेगा, दूसरा किसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में मिलने वाला है, इन ट्राइंगल ओ पी एंड आर. तो ट्राइंगल ओ पी आर बनाते हैं, तो ओ पी आर बनाएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज लाइक ओ आर और ऐसे इट इज पी. Now let us see. O P R. इसको देखिए और इसको देखिए, that is O P R. और एक AC हमको इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये हमें गिवन है. AC लाइन जो है इसके पैरेलल है. तो सेम रेशियो निकल सकता है इस ट्राइंगल में, क्या निकलेगा, अगर ये ट्राइंगल है और एक साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है तो इनके साइड जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी. दैट इज ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. हमें चाहिए क्या था, ओ सी अपॉन सी आर चाहिए था, ओ सी अपॉन सी आर चाहिए था. यहां से हम साइड ट्रैक पे हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं. तो हम क्या देखा, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, ओ पी एंड आर. नाउ ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दिस इज गिवन, यहां गिवन है हमें ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर वही चीज, रेशियो ऑफ अदर साइड्स आर इक्वल, दैट इज ओ ए अप नॉट ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, तो हमें पहले क्या प्रूव करना है, वहीं से शुरू करना है कि हमें क्या प्रूव करना है और हम क्या रिलेशन बताएंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा. नाउ फ्रॉम वन एंड टू दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, यहां पे क्या दिया है, ओ ए अपॉन ए पी, यहां पे भी ओ ए अपॉन ए पी है, यहां पे है ओ बी और बी क्यू, यहां है ओ बी ओ सी एंड सी आर. तो जब एल एच एस दोनों का बराबर है तो दोनों के आर एच एस भी आपस में बराबर होंगे. नाउ इसे क्या कह सकते हैं हम, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. नाउ ये हम यहां पे कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये इक्वेशन बन गया है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. और हमने क्या मालूम है कि जब ये रेशियो आता है, इट मीन्स अगर कोई ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में कोई साइड्स, अगर साइड्स आपस में डिवाइड हो रही हैं किसी लाइन से, किसी पॉइंट से, तो ये थर्ड लाइन इसके पैरेलल होगी, ये हमने देखा है थ्योरम में. ठीक है, तो नाउ इसलिए वी कैन से, यहां लिख लेते हैं, इसलिए वी कैन से ट्राइंगल ओ बी ओ क्यू आर में, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, यहां पर किसी ट्राइंगल में ओ बी और बी क्यू, ओ बी और बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी और सी आर. इन ट्राइंगल दिस पॉइंट्स बी एंड सी, या लाइन यहां लिख लीजिए, लाइन बी सी डिवाइड्स कौन सी साइड को, ओ क्यू एंड ओ आर इन सेम रेशो, या इनको कह सकते हैं प्रपोर्शन, सेम रेशो. हैंस इसलिए लाइन बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने लिया है थ्योरम से, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही तो हमें प्रूव करना था. Hence proved. तो हम इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं किसी भी क्वेश्चन को कि हमें फाइनली क्या प्रूव करना है.
वहां से हम सोचते हैं कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है, फाइनली क्या प्रूव करना है। वहां से हमने रेशियो फाइंड आउट किया, तो हमको ये हिंट लगा कि ये कैसे करना है। तो हमेशा यही सोचिए कि फाइनली हमको प्रूव क्या करना है। वहां से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, वहां को हम थोड़ा थिंकिंग सोचते हैं कि क्या आएगा, और फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। व्हाट इट सेज, डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी इज पैरेलल टू डीसी। एक ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है एबीसीडी, और इसमें क्या है डायगोनल्स, डायगोनल एसी और बीडी, इनकी डायगोनल्स है एसी और बीडी, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमें दिया है एबी इज पैरेलल टू डीसी। नाउ दिस इज एबी इज पैरेलल टू डीसी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ट्रेपेजियम है, ओके, इंटरसेक्ट। नाउ दिस, नाउ यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, नाउ टू ट्राइंगल्स द सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमें शो प्रूव करना है एंड शो करना है ओए अपॉन ओसी। नाउ दिस इज ओए अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, ये हमको यहां प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, दिस, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ ओए और ओसी हमें कहां मिल रहा है, दैट इज ओए एंड ओसी, तो एक ट्राइंगल, दूसरा है ओबी एंड ओडी, ओबी कहां मिल रहा है, दिस ओबी और ओडी, डन। ओए अपॉन ओसी, ओए अपॉन ओसी, ओबी अपॉन ओडी, इसका मतलब अगर मैं ओएबी ट्राइंगल ले लूं तो मुझे ओए और ओबी मिल जाएगा, ओएबी ट्राइंगल ले लूं, ठीक है। और अगर मैं ओसीडी ट्राइंगल ले लूं तो मुझे ओसी और ओडी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल क्या क्या हमने लिखे थे, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं, और हमें क्या यूज करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, ये हमें यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को हमें सिमिलर ट्राइंगल देखना है कि सिमिलर है या नहीं है। नाउ लेट अस सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं अगर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट दिस एंड दिस, और बाकी एंगल्स का क्या है, तो देखते हैं यहां पे हम एक बनाते हैं, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है, और एक पैरेलल और एक लाइन है, दैट इज ए बी, पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया, पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया देखते हैं। ये हमें लाइन दिया है ए बी, और ये लाइन दिया है सी डी डी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, दिस इज गिवन टू अस, और हमें दिया हुआ है डी बी। नाउ इसको डी और बी को हम देखते हैं, ज्वाइन करते हैं। नाउ ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें दिख रहा है दो पैरेलल लाइंस, और बीच में एक ट्रांसवर्सल उसको कट करती हुई जा रही है, दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और ये देखिए एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और जहां ऐसा जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो ये एंगल जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और जेड के अंदर के दोनों एंगल्स ये आपस में इक्वल होते हैं फॉर ए पैरेलल लाइंस, और दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल डी और एंगल बी आर इक्वल एंड बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल डी और एंगल बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं तो अगेन एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये जेड लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये बोलेगा एंगल सी और एंगल ए के बारे में, दैट इज एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल है, डीसी से जो एंगल सी बन रहा है और एंगल ए ये आपस में इक्वल बता रहा है, क्योंकि ये भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, ओके, क्लियर। तो यहां हमें तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप मिल गया इन ट्राइंगल्स में, एंड ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी में क्या क्या हो गया, एंगल सी ओ डी, या यहां ए की बात करते हैं पहले ओ ए बी की, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया,
एंगल ओडीसी, यहां पहले नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ओएबी की बात करते हैं पहले, तो क्या बन जाएगा, दैट इज ओएबी, एंगल ओएबी इज इक्वल टू एंगल ओसीडी, ओसीडी कैसे, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और दूसरा एंगल है ओबीए, ओबीए इज इक्वल टू एंगल ओडीसी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहां ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल अगर हो गए तो ट्राइंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, तीनों एंगल सेम है, ये ए प्रॉपर्टी, ऑल्दो हम दो में ही कह सकते थे, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ ए बी और दूसरा ट्राइंगल क्या है ना, यहां हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा कौन सा किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन सा पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। ओ तो कॉमन है, दैट इज ओ, तो ओ है, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग है ओ, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, यहां ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है सी, क्योंकि ये एंगल सेम बना रहा है यहां पर, ए की कॉरेस्पॉन्डिंग है सी, तो ओ ए बी की जगह पे यहां पर आ गया सी, और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है डी, नाउ ओ सी डी, तो ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे क्राइटेरिया निकाला हमने, ए ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए ए ए हमने यूज किया और हमें पता लगा ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, दिस, अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है They will be same. Corresponding sides के रेशियो इक्वल होते हैं या corresponding sides आपस में proportional होती हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो corresponding side क्या है, Now this is OA, then OA की corresponding क्या हुई, OC. Now OA upon OC is equal to, दूसरी side क्या देखेंगे हम, OD. तो हमें OD के बारे में बताना है, OA, OA के बारे में, then OB. तो OB देखा हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है यहां पर, ओडी, यहां लिख सकते हैं आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की, इसलिए ओए अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, और ये तो हमें प्रूव करना था, है ना, That is hence proved. Done. Now let us take this question. What it says? In given figure ABC at EMP. Now this is ABC दिया है और AMP दिया हुआ है. Are two right angle triangles. Right angle at B. एक B पे right angle है और एक M पे right angle है. Okay. Now prove that ABC is equal to AMP. Now triangle ABC is equal to AMP. ये दोनों similar triangles हैं. ये हमको prove करना है. और ये रेशियो सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, हमको प्रूव करना है। नाउ लेट अस सी, तो अब हम, अगर हमें बहुत क्लियरिटी चाहिए तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज ए, दिस इज एम एंड दिस इज पी, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ए एम पी 90 डिग्री है। दूसरा ट्राइंगल दिया है हमें ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री है, ओके। नाउ सी, यहां आप देखोगे ए एम पॉइंट कहां, इसी के कहीं बीच में आ रहा है, इसको देखिए ए सी के बीच में ही कहीं एम पॉइंट आता है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो एंगल ए दोनों केस में इक्वल है, यहां देखिए इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी एंगल ए दोनों में कॉमन है, दोनों के एंगल ए इक्वल हो गए, और दूसरा एंगल जो हमें दिया हुआ है दैट इज राइट एंगल, यहां पे भी हम कह सकते हैं दो एंगल सेम आ गए किसी ट्राइंगल में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सेम होगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। इसी चीज को हम लिख लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी,
इन दोनों ट्राइंगल्स की जो हम बात कर रहे हैं एबीसी और एएमपी में. नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन, कॉमन एंगल है दोनों में, ठीक है. दूसरा दिया हुआ है एंगल, अगर हम एबीसी की बात करें तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट एंगल दिया हुआ है हमें, राइट एंगल एट बी एंड राइट एंगल एट एम, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. तो इसलिए जो है वी कैन से, सो वी कैन से, व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल एबीसी. नाउ एबीसी दिया है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए है, ट्रायंगल ए. बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एम है, एम. और तीसरा सी और पी, सी की जगह पी. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. कौन सा रूल लगेगा, ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, ए ए क्राइटेरिया लगेगा एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स. अब अगर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड्स के रेशियो क्या होंगे, दे आर इक्वल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी, यहां ए बी है, ए एम, ए बी अपॉन ए एम, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ठीक है. फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ये दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ये रेशियो हमारा बन के आता है ए बी अपॉन ए सी, साइड्स के रेशियो, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये हमको मालूम है ना. हमें प्रूफ क्या करना था, सी ए अपॉन पी ए, ओके, सी ए अपॉन पी ए, यहां इस तरह से लिखा है ए सी अपॉन पी ए, दैट इज बी सी अपॉन एम पी. ना यहां से आप देख सकते हो, इसको ए सी की जगह आप सी ए लिख सकते हैं यहां पर, और पी ए कर दीजिए यहां पर. सो इंप्लाइज सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी. यहां चाहे तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, फ्रॉम वन लिख सकते हैं, फ्रॉम वन दिस, ठीक है. तो इस तरह से प्रूव हो जाता है और हमको बिल्कुल क्लियरिटी है कि किस, क्या है एग्जैक्टली, क्या रेशो होते हैं, क्या सिमिलरिटी होती है, तो हम इसको प्रूव करना आसानी से प्रूव कर सकते हैं.